फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। वो वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि दिया बत्ती कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बाटी। ये ऑर्डिनरी बाटी है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे मैं 5 बाटी बाजार से लाया हूँ। आज इस बाटी में आप लोगों को दिखाना है कि दिया बत्ती कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो घर में भी आप लोग इसे बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल्स भी नहीं लगता है। तो देखिए, मैं प्रोसेस को आगे दिखा रहा हूँ। जैसे कि बाटी को पहले इसे लगाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बाटी है, मैं कलेक्ट किया है बाजार से। तो 5 बाटी तो बैठा के टेबल में आप लोगों को दिखा दिया। और ये है 5, ये बेम्बू स्टिक है। ये देखिए बेम्बू स्टिक, ऐसे करके बाटी के ऊपर रखना है। आसान तरीका है ये, आप ट्राई करेंगे तो अपना आप आराम से घर में बना लेंगे आप लोग। देखिए 5 बाटी, इसकी ऊपर 5 बम्बू का स्टिक छोटा छोटा करके रख दिया। अभी देख सकते हैं ये है धागा, मैं धागा भी काट के रख दिया। अभी धागा को ऐसे करके, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे करके बाटी के ऊपर रखना है। देखिए ये इस तरीका है। देखिए आसान सा तरीका यही है, इतना तो इम्पॉसिबल नहीं है, आसान सा तरीका है। देखिए धागा ऐसे लगाते हैं, आराम से कीजिए। देखिए हो गया, 5 बाटी में मैं धागा लगा दिया। अभी इसमें पैराफिन वैक्स डालना है और उसके साथ आपकी जो मनपसंद है, उस मनपसंद के हिसाब से आप काला डालना है पैराफिन वैक्स में। तो चलिए अभी पैराफिन वैक्स लेके आते हैं और इसके बाद पैराफिन वैक्स लेके कलर मिक्स करेंगे। इसके बाद बाटी में डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत गर्म है, अगर टेबल के ऊपर रखेंगे तो गिर भी सकता है। अगर ये गिर जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ये नीचे रख रहा हूँ पैराफिन वैक्स के बकेट को। देख सकते हैं पैराफिन वैक्स लिया हूँ। इधर देखिए, ये हर एक बाटी में 1/2 केजी की हिसाब से पैराफिन वैक्स डालना होगा। तो पहले के लिए तो मैं ले लिया। तो देखिए गाइस, मैं कलर लिया हूँ और कलर को अभी इधर घोलना है अच्छी तरह से, तो सुंदर दिखेगा। देखिए इस तरह से घोला जाता है। हो गया। तो अभी इसको बाटी में डालना है। ये बहुत गर्म है भाई, मेरा रुमाल कहाँ है? मेरा रुमाल तो मिल गया। देखिए इस तरह से डाला जाता है, ऐसे। हाँ, आराम से, धीरे धीरे, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। बहुत गर्म पैराफिन वैक्स है, अगर हाथ के ऊपर पैर के ऊपर गिरेगा तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो गैस अभी दूसरा बाटी के लिए पैराफिन वैक्स ले रहा हूँ, 1/2 केजी के हिसाब से अंदाज करके। देखिए, देख सकते हैं दूसरा बाटी के लिए अभी कलर ले रहा हूँ। तो देखिए ये कलर, अभी इसको घोलना होगा इस तरह से, जल्दी ही हो जाएगा। देखिए ऐसा घोला जाता है पैराफिन वैक्स और कलर को एक साथ। तो हो गया। ये बहुत गर्म है तो इसलिए एक कपड़ा से पकड़ लेते हैं और आसानी से धीरे धीरे करके बाटी में डाल देते हैं। देखिए ये तरीका है, ये हो गया मेरा दूसरा, आप लोगों को दिखा दिया 2। तो गैस देख सकते हैं कि 2 हो गया। अभी तीसरा के लिए पैराफिन वैक्स लेता हूँ बाकेट से। और ये पहले ही बोला था कि अंदाज करके 1/2 केजी जैसा लेना है और मैं भी अंदाज करके 1/2 केजी जैसा ही ले रहा हूँ। अभी ले लिया तीसरा के लिए, अभी कलर डालना होगा। देखिए ये है कलर, ये लाल रंग का बना देता हूँ। देखिए
अभी इसको घोलना है। देखिए हो गया, अभी धीरे धीरे बाटी में डालना है। यह हो गया, देखिए धीरे धीरे, बहुत गर्म है, पहले ही बोला हूँ धीरे धीरे डालना है जैसे हाथ में ना लगे। तो डाल दिया, हो गया तीसरा, तो आप लोगों को दिखा दिया तीसरा, अभी दिखाएंगे चौथा। तो गाइस देख सकते हैं कि तीसरा तो हो गया, अभी चौथा के लिए पैराफिन वॉक्स ले रहा हूँ। इधर देखिए पहले जैसा, अभी भी अंदाज करके आधा के जी के हिसाब से लेते हैं पैराफिन वॉक्स, और पैराफिन वॉक्स को ले लिया, अभी कलर लेना है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं हरा रंग का, देखिए देखिए ये है हरा रंग। तो ऐसे करके घोलना है। तो गैस देख सकते हैं कि इस तरह से घोलना है, ये भी हो गया घोलना। अभी धीरे धीरे चौथा बाटी में डालते हैं। तो देखिए इस तरह से बाटी में धीरे 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 करके डालना है, हो गया। तो गैस आप लोगों को मैं ये एक सलाह दे सकता हूँ कि आप चाहें तो ये घर में आप भी बना सकते हैं। तो आप लोगों के मन में ये बात होगा कि बाटी तो ले लेंगे बाजार से, बम्बू के टुकड़ा तो घर में है, धागा घर में है, पैराफिन वॉक्स कहाँ मिलेगा और कलर कहाँ मिलेगा। मान लीजिए कि पैराफिन वॉक्स आपके पास नहीं है, तो बाजार से आप खरीद सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है 30 रुपया वाला। जैसे 5 कलर का आपको बनाना है तो 5 पैकेट ले सकते हैं। और कलर के लिए मैं आप लोगों को सलाह ये दे सकता हूँ कि बच्चों स्कूल के बच्चे जो ड्राइंग करते हैं, कलर पेंसिल प्लास्टिक का जो कलर पेंसिल है वो तोड़ के पेस्ट करके ये गला हुआ पैराफिन वॉक्स में मिला के आप लोग कलर के काम चला सकते हैं। तो ये हमारी फैक्ट्री की प्रोसेस नहीं होगा, ये घर की प्रोसेस होगा। तो फैक्ट्री के लिए ये प्रोसेस नहीं होगा। आप लोग कोशिश करने के लिए कि देखते हैं इसे होता है या नहीं होता है, ये देखने के लिए इस प्रोसेस को आप लोग अपना सकते हैं कि पैराफिन वॉक्स बाजार में आपको मोमबत्ती का पैकेट मिल जाएगा और लाइब्रेरी में मिल जाएगा आपको कलर पेंसिल। तो इस हिसाब से आप लोग बना के देख सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में है कि बनाएंगे तो बना सकते हैं, और बना के कैसा हुआ आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। पैराफिन वॉक्स लेना है अभी, देखिए ये ले रहा हूँ पैराफिन वॉक्स, ये धीरे धीरे ग्लास में लेना होगा, अगर हाथ में लग जाएगा तो जल भी सकता है, ये बहुत गर्म है। देखिए अभी कलर लेते हैं, देखिए ये है कलर का डब्बा, इसमें से थोड़ा सा कलर लेते हैं। देखिए ये है कलर, अभी इसको घोलना होगा इसे, और आसानी से हो जाएगा, हो गया। अभी बहुत गर्म है इसलिए एक रुमाल से पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे बाटी में डालते हैं। तो देखिए डाल दिया, तो बोला था आप लोगों को पहले ही 5 बना के दिखाएंगे, तो ये 5 आप लोगों को दिखा दिया, अलग अलग कलर का है। गाइस देख सकते हैं कि जैसे बोला था आप लोगों को बाटी में दिया बत्ती बना के दिखाएंगे, वो तो प्रोसेस आप लोगों को दिखा ही दिया। अभी बस ये ठंडा भी हो गया और यहाँ की जो पैराफिन वॉक्स है ये जम गया, तो अभी खोल के आप लोगों को दिखाते हैं और ये भी साथ में दिखाएंगे ये जलता है या नहीं जलता है। तो खोलने की कोशिश करते हैं, इधर देखिए इस तरह से खोलने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत हार्ड है भाई। ये खोल गया एक, देख सकते हैं बहुत सुंदर बना है ये। अभी दूसरा दिखाता हूँ आप लोगों को,
ये देखिए ये बाटी थोड़ा हार्ड है, काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी काट रहा हूँ। देखिए इधर इसको भी खोल दिया, देखिए अभी ये लाल रंग का खोलता हूँ, देखिए बहुत सुंदर है ये। हाँ देखिए ये भी खोल के तैयार हो गया। इधर देखिए ये भी खोल दिया, अभी ये खोलते हैं। देखिए इसी तरह से खोलना चाहिए, ये देखिए हो गया। अभी लास्ट जो बचा है ये एक, ये भी खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे ये प्रोसेस देखने के लिए जहाँ मैं ये बना रहा हूँ बहुत सारे लोग आया है भाई, इन लोगों को थोड़ा दिखा दो भाई। हाँ ये लोग देखने के लिए आए हैं कि ये कैसे बनेगा और कैसे जलेगा, जलता है या नहीं। इन लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा है इसलिए देखने के लिए आ गया। तो ठीक है अभी जला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब ये जला के आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ ये जल गया, अभी इसको भी जलाते हैं। अभी तीसरा वाला लाल रंग का भी जला देते हैं, ये जल गया। और अभी हरा रंग का जो दिया है उसको भी जला के दिखा देते हैं आप लोगों को। और लास्ट में एक ही बचा है, ये भी जला के आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ ये भी जल गया, तो अभी पांचों के पांच जल के तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर भी लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा है। पहले बोला था कि आप लोग कोशिश कीजिए एक बार घर में, आप लोग भी बना सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोगों को बोला था कि दिया बत्ती बनाने का प्रोसेस, वो तो आप लोगों को दिखा ही दिया और साथ में आप लोगों को जला के भी दिखा दिया। तो आप लोग एक बार घर में कोशिश कीजिए और कोशिश करके आप लोग देखिए आप बना पाते हैं या नहीं। अगर नहीं बना पाते, कहीं आप लोगों को तकलीफ होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बोलना और मैं आप लोगों को सुझाव देने के लिए कोशिश करता हूँ। गाइस बोला था कि दिया बत्ती कैसे बनाते हैं, वो तो आप लोगों को बना के दिखा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।